हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू जो कि होने वाला है ब्रास और स्टील के बीच में एक कंपैरेटिव वीडियो। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, इस वीडियो को नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह ना लीजिएगा, इस वीडियो को लीजिएगा एक थोड़े से नॉलेजेबल चीज की तरफ, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रेस्टीज के स्प्लेंडर सीरीज जो कि ट्राइप्लाई सीरीज में आती है। देखिए, प्रेस्टीज के जितने भी सॉस्पेंस आ रहे हैं ट्राइप्लाई सीरीज के और भी कंपनी के ट्राइप्लाई सीरीज के आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कुकवेयर्स हैं। ये आपको सॉस्पेन मिल रहा है जिसमें आप किसी भी तरीके को प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का सूप कैसे भी प्रिपेयर करिए, आपको बिल्कुल मिनिमम फ्यूल में और एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस के साथ ये मिलेंगे। इसमें क्या होता है, तीन लेयर्स होती है, ये अंदर की तरफ आपको एल्युमिनियम फिनिशिंग मिल रही है बट ये 304 ग्रेड का स्टील होता है, क्लियर रिपिट्स के साथ आता है और हैंडल तो लाजवाब फिनिशिंग के साथ है। अब हम बात कर लेते हैं, ये गैस इंडक्शन हीटर सिरेमिक सब पे चलता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्रास के यूटेंसिल्स की। देखिए, ब्रास के बारे में बहुत सारी बातें हैं तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगी आपको। पहले बात कर लेते हैं बाहर की, तो ये बिल्कुल ट्राइप्लाई सीरीज की तरह ही दिया हुआ है, रिपिट्स बिल्कुल क्लियर रिपिट्स दी हुई हैं। देखिए रिपिट्स कितनी प्यारी रिपिट्स इसमें दी हुई हैं। ये आपका ब्रास का हैंडल है पूरी तरीके से, जो कि स्टेक वुल हैंडल है। हाँ, बात कर लेते हैं मॉडर्न कुकवेयर को, पुराने यूटेंसिल्स को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया गया। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, मगर दिक्कत कहाँ आती है बताता हूँ। ये आप लोगों को डाउट होगा, अरे भाई साहब बाहर तो ब्रास है बट अंदर की तरफ ये क्या है और ये हमें नुकसान तो नहीं करेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ कि ये चीज जो होती है इसको कहते हैं हम लोग कलाई। कलाई जो होती है टिन की कोटिंग की जाती है, जो कि पुराने जमाने में भी करी जाती थी और समय समय पर इसको कराना पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रास को आप इस तरीके से नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और, ब्रॉन्ज को और ब्रास को बिल्कुल भी एक साथ ना रखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं ब्रास की। तो ब्रास जो होता है विदाउट कलाई, कॉपर जो होता है विदाउट कलाई कुकिंग नहीं कर सकते हैं। और टिन की कोटिंग इसलिए कर दी जाती है क्योंकि टिन के भी कुछ फायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। बट प्रॉब्लम कहां आती है, हमने ये ले तो लिया, चलिए हमने आपको ये कह दिया कि ये आप ले लीजिए, बट कारण वहां आ जाता है जहां आपकी टिन की कोटिंग खराब हुई, आपको दोबारा इसमें टिन की कोटिंग करानी पड़ती है। तो वो आपको कराने वाला बहुत रेयर और कम मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ लोकल्स का एक मंत्र याद रखिए, पैसा बहुत जरूरी है आपका, तो ऐसी जगह लगाइए जहां पे आपका फायदा तो पहले ना हो, पहले आपको नुकसान बच जाए। तो यहां पे जो ये यूटेंसिल्स आते हैं जो कि ट्राइप्लाई स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं, ये इनका इनमें यूज करने का कोई फायदा नहीं होता है आपको, बट इसमें यूज करने में आपको एक वर्सेटाइल कुकिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक सब पे ये चलते हैं। तो आपको ये है कि कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, इंडिया के अंदर है इंडिया के बाहर है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। प्लस लाइफ बहुत ज्यादा होती है, क्लीनिंग बहुत आसानी से होती है और साथ ही साथ ये आपको हेल्थ में बेनिफिट तो नहीं देता है बट जितना नुकसान आप लोगों को पुराने बर्तनों से हो रहा है, एल्युमिनियम के बर्तनों से हो रहा है, उससे आपको बचा लेगा। तो पहला स्टेप हमारे किचन को इंप्रूव करने को, हमारी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव करने में ये हेल्प आपको देगा कि आपका नुकसान बचा लेगा। प्लस उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है कलाई कराने के लिए, आपके पास पहुंच है उतनी कि आप कलाई करा सकते हैं और आप ब्रास के यूटेंसिल्स यूज करना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर ब्रास के यूटेंसिल्स लीजिए और उसमें कलाई वाले बर्तन को आप अपने घर में रेगुलर यूज करिए। एक वीडियो मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा आपको डिटेल में कंपैरेटिव वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ब्रास की ब्रॉन्ज की सबकी एक कंपैरेटिव वीडियो बने, वो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लाके दूंगा वो पूरी बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो यहां पे हम बात करते हैं प्रेस्टीज की ट्राइप्लाई स्प्लेंडर सीरीज की जो कि ग्लास लीड के साथ आती है। बहुत सारी कंपनियां इसमें, मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसको परचेज कर सकते हैं। स्टेक वुल हैंडल के साथ आती है, नीचे इंडक्शन कंपैटिबल होता है, साथ ही साथ ये 2 लीटर कैपेसिटी का है आपके सामने और यहां पे आपको होल मिल जाता है कि कभी भी अगर आप सूप या मैगी या भी चीज आप बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्टीमिंग यहां से इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये थी आपकी कंपैरेटिव वीडियो एक ब्रास के यूटेंसिल्स की और एक स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और भी डिटेल में अगर आपको वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आगे बहुत ही यूटेंसिल्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।